हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, दूसरी बात कि जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है राजस्थान में, उसकी पूरी तैयारी इस चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी बाकी है। फिजिक्स के मैंने लगभग रिवीजन तो कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद टेस्ट बाकी है, अब टेस्ट करवाना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। बायोलॉजी का बस एक चैप्टर है जो आपके लिए मैं करवा रहा हूँ, वो चैप्टर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। नाम है उसका एनसीईआरटी में इकोलॉजी वाला, इकोलॉजी वाला यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम वाला चैप्टर है, लेकिन वो बायोलॉजी इसमें है, आरबीसी की बुक्स में है, एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसको मैं अच्छे से आपको करवा दूंगा पूरा नोट्स के साथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों को उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वो चैप्टर उनको देखने को नहीं मिलेगा, उनको इकोलॉजी वो वाली पढ़नी जरूरी नहीं है, दूसरी इकोलॉजी। हम इस वीडियो में मेन बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग जो सेकंड काउंसलिंग है उसके बारे में। जीएनएम की जो नर्सिंग होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेकंड काउंसलिंग, उसके बारे में बात करेंगे, कब होगी कब नहीं होगी। तो आप सबको वैसे पता होगा कि 16-17 डेट दे रखी थी इसकी, लेकिन देखते हैं अभी तक, आज 16 तारीख हो गई लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसमें आपको सब पता है कि जो ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की तिथि प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 2 दिसंबर थी, और इससे पहले गवर्नमेंट के लिए पहले अप्लाई हो चुके थे। इसी प्रकार लास्ट डेट कितनी कर दी, बढ़ाकर 25 दिसंबर कर रखी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो, वैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सीटें खाली जाती है बहुत सारी, तो सब एडमिशन दे देते हैं। और चालान होगा उसमें, चालान के बारे में 10,000 रुपये का चालान होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, जबकि गवर्नमेंट के लिए आप सबको पता था कि 180 रुपये का चालान है, बस वही आपकी फीस थी, लेकिन प्राइवेट के लिए चालान प्लस अलग फीस अलग से लगेगी, वो अलग बात है, ठीक है। ये तो आपको देख ही लिया होगा, पता ही। अब इसमें एक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो, जहाँ ये प्लीज लाइक दिस वीडियो लिखा रहा है ना, यहाँ पे देखो, एक मिनट, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ दिखाई दे रहा हूँ आपको कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु तो निजी प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम काउंसलिंग, यानी कि जो फर्स्ट राउंड होगा ना प्राइवेट का, वो भी 16-17 को होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट अलॉटमेंट होगी वो 16-17 को होगी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज थे, गवर्नमेंट राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों की जो देते काउंसलिंग है, वो भी 16-17 को होगी, यानी कि या तो आज शाम तक आ जाए, शाम तक नहीं आएगा तो आज मिड नाइट में आपका जो लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी जीएनएम वालों के द्वारा, जो राजस्थान जीएनएम की जो कमेटी है उसके द्वारा रिलीज कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और राजस्थान जयपुर द्वारा ये सब रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वेट करना, आज मिडनाइट तक आपका आ जाएगा। निजी प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ऑनलाइन विकल्प 14-12-2000 तक भरे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कितनी डेट थी, पहले 14 तारीख की थी, यानी कि 14 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन उसे बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया गया है प्राइवेट कॉलेज के लिए। मेन रीजन है कि प्राइवेट कॉलेज में सीट्स खाली रह जाती हैं इस वजह से, ठीक है। और राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए पुनः पूर्व में भरे गए विकल्प, यानी कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जो फॉर्म भरे गए थे आपके, वो पर ही काउंसलिंग होगी, नहीं मतलब नए फॉर्म नहीं भर सकते आप, नए विकल्प दोबारा नहीं भर सकते थे जेएनएम के लिए। जिन्होंने जो पहले भर दिया वो भर दिया, और जिन्होंने नहीं भरा वो उनकी गलती थी खुद की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक दो कॉलेज भर के छोड़ दिया कि हमें तो पास का कॉलेज लेना है गवर्नमेंट, तो वो भर के छोड़ दिया, इस वजह से अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नहीं होगा तो नहीं होगा, अब यार क्या कर सकते हैं, आपने भरे नहीं है पूरे, ठीक है। और दूसरी बात, इस चैनल पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप टेंशन मत लो। और दूसरी भी नीचे क्या दे रखा है देख लो सभी, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन था, ये क्या है प्रथम काउंसलिंग कट ऑफ थे प्राइवेट के लिए, जो सभी को लगभग जो क्वालिफाई है, जो सब पास स्टूडेंट है, क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसने 12th बायोलॉजी आर्ट्स वाले भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टेप दे रखी है, ये तो पता है, अभी आपकी देख लो, यहाँ जैसे ये फर्स्ट काउंसलिंग नजर आ रही है ना, फर्स्ट ऑनलाइन सूची, फिर मैं वैसे यहाँ सेकंड काउंसलिंग नजर आने लग जाएगी आपको, फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट मेल, ऐसे नजर चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बस अभी बाकी देख लो, आप कुछ भी नहीं दे रखा, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस चैनल पर बस जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, गलत कमेंट करेगा तो मैं उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा यदि ब्लॉक हो गया तो, फिर वो इस चैनल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा, ना ही पता लग पाएगा उसे। ये है कि और जिसको भी व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है हो सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, जो आरएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, उस चैनल पर जाकर वीडियो एक बार जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं मत करना सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब करे भी जा सकते हो आप, लेकिन एक बार
चेक जरूर करिए इस चैनल को जाके कि क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कैसा चैनल है कैसा नहीं है, ठीक है। आपका लाइव टेस्ट होता है इसमें, बायोलॉजी केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट स्टार्ट हो गया, फिजिक्स का जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है इस पर। और एमपी वालों के लिए अभी वहाँ के फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आने का भी कुछ कन्फर्म पता नहीं चल रहा है कि फॉर्म कब तक आ जाएंगे, तो एमपी वाले थोड़ा सा वेट करिए। आप कहाँ तक वेट करोगे, वैसे आप भी परेशान हो गए। यदि किसी को लगता है कि फॉर्म नहीं आएंगे तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है, ठीक है दोस्तों। बस ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दी। मिलते हैं जो केमिस्ट्री का टेस्ट होगा आपका, उसमें ज़रूर मिलेंगे। आज केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट वाला टेस्ट होगा, तो सभी उसको ज़रूर सॉलिड स्टेट को तैयार कर लेना, ठीक है। यदि वीडियो पूरा देखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।